हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास एलेवंथ का चैप्टर टेंथ का नया टॉपिक दैट इज़ आर्कम्स प्रिंसिपल इससे पहले हमने दो तीन वीडियोस कवर कर ली हैं अगर आपसे इस चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख लें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी अब जाके प्लेज को थ्रू कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक दैट इज आर्मिज प्रिंसिपल ये हमने टेंथ में भी पढ़ रखा है आरकेमडिस प्रिंसिपल क्या कहता है सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक ग्लास जो है वाटर लो पूरा ब्रिम तक भरा होना चाहिए ऊपर तक भरा होना चाहिए और उसके अंदर आप एक पेन डाल दो ठीक है एक पेन ही डाल दो तो मैंने एक पेन डाल दिया इसके अंदर ठीक है अब हमें पता है जब हमने इसके अंदर पेन डाल दिया है और ये ऊपर तक भरा हुआ था तो कुछ अमाउंट में वाटर यहाँ की तरफ गिर जाएगा है ना कुछ अमाउंट में वाटर यहाँ पे गिर जाएगा ठीक है हम कहते हैं भाई जितना वेट हमारे पेन का था उतने ही वेट का पानी बाहर गिर गया है हमें हाँ तो सिंपल यही पता है ना कि अगर हम एक ग्लास पूरा का पूरा भर के हमने उसके ऊपर तक पानी तक भर रखा है उसके अंदर हम कोई भी चीज डालेंगे मैंने तो पेन का एग्जांपल लिया आप कोई भी चीज डालोगे तो उसका जितना वेट होगा उतने ही वेट का पानी बाहर आएगा दिस इज आर प्रिंसिपल वेरी सिंपल अब इसको थोड़ा हम फिज़िक्स के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ठीक है तो फिज़िक्स के लैंग्वेज में एक हम एक वेट ले लेते हैं वेट कंसीडर करते हैं तो मान लो यहाँ पे हमने वेइंग मशीन लगा रखी है ठीक है और यहाँ पे है कोई एक वेट ठीक है वेट का मतलब क्या होता है वेट इज मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि अगर 10 किलो का मास लगा रखा है मैंने यहाँ पर तो 10 इंटू टेन यहाँ पे कितना हो गया मान लो 100 न्यूटन हो गया ठीक है ये 100 न्यूटन का वेट यहाँ पे हम मैंने हैंग किया हुआ है ठीक है अब मैं क्या करती हूँ अब मैं एक प्रॉपर एक ट्रफ लेती हूँ ट्रफ मतलब कि एक मैं टब ले रही हूँ और उसको मैंने ना फुल पानी से भर रखा है ठीक है अब यही वेट उठा के ना मैं इसके अंदर लेकर जाती हूँ ठीक है ये उठा के मैं इसके अंदर लेके जा रही हूं तो अब फिर से यहां पे ये बनाया ये बेइंग मशीन थी ठीक है ये मैं लेके गई और ये जो है इतना पोर्शन ये इसके अंदर आ गया ठीक है कितना पोर्शन आया इतना पोर्शन आया इतना पोर्शन बाहर है अब इतना पोर्शन अंदर कर रखा है हाफ थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है कुछ इस तरीके से है ठीक है तो जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डाला यहां तक रखा हुआ था हमने एक ना चीज नोटिस करी कि जो वेइंग मशीन पे पहले 100 न्यूटन बता रहा था ना अब वो ना 60 न्यूटन बताने लग गया कम बताने लग गया ऐसे कैसे हो गया हमें लगा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हमारे पास खाली वेइंग मशीन पे हमने इसको लटका रखा था तो ये हंड्रेड न्यूटन दिखा रहा था अब जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर लेके गई हूँ थोड़ा सा मैंने इसको डिप किया है अब वेट जो है ना वो सिक्सटी न्यूटन दिखा रहा है यानी कि वाटर जो है वो भी इसके वो नीचे से ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है ठीक है कोई ना कोई इसको सहारा दे रहा है ऊपर की तरफ तभी तो उसका वेट कम हो गया आप लोग भी क्या करते हो वेइंग मशीन पे चढ़े होते हो मजाक करते हो पीछे से उसका क्या कर देते हैं पैर रख देते हैं तो वेइंग मशीन पे वेट ज़्यादा आ जाता है है ना तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे वेइंग मशीन पे कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको नीचे से इसने कोई ना कोई सहारा दिया है कोई ना कोई ऐसे हाथ नीचे की तरफ लगा दे कि भाई तेरा वेट अब कम दिखाई देगी है ना तो ये जो फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है जो वॉटर लगा रहा है इस फोर्स को हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स बियॉन्ड फोर्स और हम इसको कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं अप थ्रस्ट थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स ठीक है और अप मतलब ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है दिस इज कॉल्ड अप थ्रस्ट या फिर बियॉन्ड फोर्स तो हमने अभी तक क्या नोटिस करा ये क्या था इसका W ये क्या था इसका W यानी कि ये था इसका क्या एक्चुअल वेट ये क्या था इसका एक्चुअल वेट ठीक है तो जब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया अब क्या हो गया w माइनस में कुछ फोर्स कम हो गया कुछ वेट कम हो गया और ये बन गया डेल्टा w यानी कि डेल्टा w हो गया 60 ठीक है दिस इज 100 माइनस 40 100 माइनस 40 न्यूटन ये हो गया 60 न्यूटन ठीक है तो ये क्या था आपका अब ये जो आपको 60 न्यूटन दिखाई दे रहा है ये क्या है दिस इज अपेरेंट वेट यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है अब तो डेल्टा डब्ल्यू मैंने क्या बोला आपको ये क्या है आपका अपेरेंट वेट जो आपको अभी दिखाई दे रहा है तो अपेरेंट वेट जो आपको दिखाई दे रहा है अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि एक्चुअल वेट में से अगर मैं नीचे से ऊपर वाला वेट माइनस करती हूँ तो एक्चुअल वेट डब्ल्यू में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ जो नीचे से ऊपर की तरफ वेट लग रहा है तभी तो उसने उसको माइनस किया है ना तो नीचे से ऊपर वाला वेट ये हो गया डब्ल्यू वन तो एक्चुअल वेट माइनस नीचे से जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं बायोट फोर्स या फिर बायोन्ट वेट हम कह सकते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया बायोन्ट फोर्स तो इस फॉर्मूला को हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे कि अपेरेंट वेट यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है एक्चुअल वेट में से अगर हम माइनस कर देते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज बियॉन्ड फोर्स जो लग रहा है ठीक है अब ध्यान से देखो फोर्स क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू वेट क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है एम जी और वेट का फॉर्मूला भी क्या होता है एम जी होता है ठीक है अब अगर मान लो हमें एक्चुअल वेट नहीं पता कि कितना वेट है और ये हमने इसके अंदर डाल दिया ठीक है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल वेट कितना है या मैं बोलूं कि अगर मेरे को सारी चीज़ें पता है और अगर हमें अलग से बोल दिया गया कि भाई बाउंड फोर्स जो है आपका लग कितना रहा है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वेइंग मशीन है यहाँ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वेइंग मशीन है तो जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ये वाला जो वेट ये वाला जो फोर्स लग रहा है इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए आगे आए आर्कमंडस्ट उन्होंने बोला कि ना इसी टब के पास ना एक छोटा सा और टब रख दो ठीक है जितना ये डिप हुआ है ना जितना ये डिप हुआ है इतने ही अमाउंट का अंदर से वाटर निकल के बाहर आ जाएगा यहां से निकल के यू निकल के यहां पर इकट्ठा हो जाएगा ठीक है तो जितना अंदर गया है वेट उतना ही यहां से वापस निकल आया है तो इसी के ऊपर ही तो क्या लग रहा है बियॉन्ड फोर्स लग रहा है तो जितना बियॉन्ड फोर्स लग रहा है उतना ही वेट हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अब मान लो ये थोड़ा सा के निकल के आ गया इसको हम इसका वेट निकाल सकते हैं अगेन डब्ल्यू इक्वल्स टू एम तो इतना ही क्या है फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ सो दिस इज वेरी क्लियर कि जितना वेट नीचे से ऊपर लग रहा है यही प्रिंसिपल है कि जितना डिप हुआ है उतना ही यहाँ पे वाटर हमारा बाहर कलेक्ट हो जाएगा तो उतने पे ही तो फोर्स लग रहा है तो फोर्स जो हो गया बियॉन्ड फोर्स जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया आपके वेट के जितना वेट बाहर निकल गया दैट इज एम जी तो अब अगर मैं डिफाइन करती हूँ आर्कमडिस प्रिंसिपल को तो कैसे डिफाइन करेंगे तो आर्कमंडस्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है आर्कमिस्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूड जितनी पार्शली यानी कि अगर आदि है या फुली इमर्स्ड है फ्लूइड के अंदर में तो इट एक्सपीरियंसिस एन अपथ्रस्ट ये नीचे से ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है जो इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय इट ये फ्लूइड ये जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है इस वाले वेट के यानी कि कितना वेट बाहर की तरफ आया तो यही हमारा प्रिंसिपल कहता है जितना नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जितना इमर्स हुआ है उस पर जितना फोर्स लग रहा है इक्वल टू द बाहर जितना कलेक्ट हुआ या डिस्प्लेस कितना वाटर हुआ है तो ये तो हो गया अभी पार्शल के लिए अब हम बात करते हैं अगर फुली बॉडी इसके अंदर इमर्ज है तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है तो मैंने एक इमेजिन किया है कि एक कोई बीकर है इसके अंदर हमने पूरा का पूरा लिक्विड भर रखा है और इसके अंदर मैंने कोई एक सॉलिड मास इसके अंदर डाल दिया ठीक है तो जितना मैं इसके अंदर डालूंगी उतना ही पानी नीचे से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा ठीक है जितना मैंने इसके ऊपर डाला जितना इसके अंदर डाला उतना ही जितना इसका वेट है उतना ही वेट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया ठीक है अब यही हमारा आर प्रिंसिपल कहता है क्या कहता है कि ये जो फोर्स नीचे की तरफ ऊपर लगेगा यानी कि बायोट फोर्स जो लगेगा वो वही होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता है कि एक्चुअल वेट कितना होगा इसका सबसे पहले तो हम लिखते हैं एक्चुअल वेट क्या होगा एम ठीक है तो मास ऑफ सॉलिड इन टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि, कि कितना, डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस हुआ है वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है तो वेट डिस्प्लेड ठीक है वेट डिस्प्लेस्ड तो वेट डिस्प्लेस्ड में क्या होगा एम जी लेकिन अब ये क्या होगा मास ऑफ लिक्विड यानी कितना मास जो है लिक्विड का वो डिस्प्लेस हुआ है ठीक है अब अगर मैं बात करती हूं कि हमें ये किसके इक्वल होगा वेट डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा बायोड फोर्स के बाय फोर्स के इक्वल होगा क्योंकि नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस होगा यही हमारा आर प्रिंसिपल कहता है कि दिस फोर्स दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अब अगर मैं बात करती हूँ कि हमें अब इसका एक्चुअल वेट दिखाई क्या दे रहा है हमें इसका अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट है मतलब कि अब ये झूल रहा है जो इसके अंदर हमें कैसे दिखाई देगा कि इसका वेट कितना है एक्चुअल में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा बायोट फोर्स या फिर वेट डिस्प्लेस्ड बायोन्ड फोर्स ठीक है तो ये हो गया एम एस जी माइनस एम एल जी यानी कि मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई ग्रेविटी माइनस मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी ठीक है तो अब अगर हम बात करते हैं मास की तो मास किसके इक्वल होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मास कितना हो जाएगा वी इंटू डेंसिटी तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अब हमने तो पूरा का पूरा इसके अंदर डाल रखा है तो जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का होगा उतना ही तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ लिक्विड का भी डिस्प्लेस हुआ हुआ है ठीक है तो एज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिंपल वी लिख दें ठीक है तो हम लिख देते हैं वी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी फिर यहाँ पर आएगा वी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम यहाँ पर वाटर ही ले रही हैं तो वाटर के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम यहाँ पर अलग सिम्बल दे देते हैं दैट अज सिग्मा देते हैं वैसे ये भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है ये हम बट हम थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको सिग्मा लिख रहे हैं तो वी एस माइनस वी सिगमा जी तो वी कॉमन यहाँ से आ रहा है ये आ गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस सिग्मा और जी यहाँ से कॉमन आ गया तो ये हो गया आपका अपेयरेंट वेट यानी कि जब uh, कोई भी सॉलिड वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस्ड होगा उस टाइम हमें उसका वेट कितना दिखाई दे रहा होगा हमें उसका वेट इतना दिखाई दे रहा होगा कि वॉल्यूम ले लो उसका ग्रेविटी ले लो और डेंसिटी ऑफ सॉलिड में से माइनस कर दो डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें उसका अपेरेंट वेट दिखाई देगा तो अब हमने बात करी है कि सॉलिड या तो पार्शली इमर्स्ड हो जैसे हमने फर्स्ट केस में बात करी है पार्शली था यहाँ पर फुली था कि क्या हमेशा ऐसे ही होते हैं कि सारे के सॉलिड जो होते हैं वो इसके अंदर वाटर के अंदर चले ही जाते हैं नहीं कुछ फ्लॉट भी करते हैं कुछ सिंक कर जाते हैं राइट तो अब हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सॉलिड फ्लोट करेगा कौन सा सॉलिड जो है वो सिंक कर जाएगा वो बेस्ड होता है हमारे लॉज ऑफ़ फ्लोटेशन के ऊपर या हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट तो अब अगर हम कंडीशन फ़ॉर फ्लोटिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन जो होती है हमारे पास कि जो डेंसिटी होती है ना सब्सटेंस की अगर वो ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है देन वो जो सब्सटेंस है वो क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा डेंसिटी तो का मतलब क्या होता है डेंसिटी डेंसिटी मतलब कौन सी चीज़ कितनी डेंस है अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको ये बोलती हूँ कि मान लो आपने बताना है वाटर और हनी चलो हम सॉलिड की बात करते तो सॉलिड की बात कर लेते हैं एक बार के लिए तो वुड एंड आयरन वुड और आयरन में से कौन ज़्यादा डेंस है अगर मैं वन के जी आपको कहती हूँ वुड रखो और वन के जी में आपको कहती हूँ आयरन रखो तो कौन ज़्यादा डेंस होगा वन के जी वुड ज़्यादा बॉक्स बनेगा उसका लेकिन जो वन के जी आयरन होगा वो छोटा सा बॉक्स बनेगा है ना तो यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो वन के जी वुड जो होगी वो इतने में आएगी लेकिन वन के जी का जो आयरन होगा वो इतने का होगा ये वुड हो गया ये आयरन हो गया तो दोनों का मास सेम है लेकिन वॉल्यूम जो है वुड का लेंथ ब्रेथ हाइट वो ज़्यादा है लेकिन आयरन का वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम वुड का ज़्यादा वॉल्यूम आयरन का कम तो यहाँ आप देख सकते हो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी वुड की कम हो जाएगी वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी वुड की डेंसिटी uh, uh, आयरन की ज़्यादा हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं Uh, हम इसको बोलते हैं डेंसिटी ठीक है तो अगर डेंसिटी जो है सॉलिड की वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा ऐसे बह जाएगा नीचे की तरफ डूब जाएगा अगर डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के अगर मैं पर्टिकुलरली वाटर की बात करती हूँ तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है आपकी थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब या आप उसको लिखते हैं वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है इस तरीके से इसके ऊपर हम एक आधा नुमरिकल भी करके मैं आपको बताऊंगी तो ये हो जाएगा आपका अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा सेकंड केस बताती हूँ अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ठीक है मान लो यहाँ पे मैंने हनी ले लिया और यहाँ पे मैंने छोटा सा कॉर्क ले लिया कॉर्क मतलब कि ढक्कन लकड़ी वाला ढक्कन तो वो क्या करेगा वो क्या करेगा फ्लोट करेगा और हनी की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी तो वो क्या कर जाएगा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फ्लोट करेगा तो वो सॉलिड लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा फ्लोट करेगा अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ना थर्ड केस आता है अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के तो क्या होगा ठीक है ना ही वो सिंक करेगा ना ही वो फ्लोट करेगा वो क्या करेगा वो इधर अटक जाएगा यानी कि उसका जो सरफेस है वो वाटर के यानी कि वो लिक्विड के सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा और वो इस तरीके से आएगा ठीक है तो उसका जो सरफेस है सॉलिड का सरफेस और लिक्विड का जो सरफेस है वो क्या होंगे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे अगर दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या है इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी लेकिन पूरी की तरह इमर्स होकर उसका ऊपर का सरफेस लिक्विड so के सरफेस के साथ क्या रहेगा अटैच रहेगा तो ये थी कुछ कंडीशंस फॉर फ्लोटिंग अब करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमारिकल्स तो अब इसके ऊपर एक न्यूमारिकल करके देखते हैं बॉडी ऑफ मास सिक्स के जी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विथ टू बाई थ्री ऑफ इट्स वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड तो एक लिक्विड ठीक है तो यहां पर लिक्विड है और कोई बॉडी है जिसका टू बाय थ्री जो है वो इसके अंदर फ्लोट कर रहा है तो ये रहा टू बाय थर्ड जो इसके अंदर है वॉटर के अंदर है और बाकी पोर्शन बाहर है ठीक है ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पर फ्लोट कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स कितना लग रहा है तो सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ ऑब्जेक्ट फ्लोट करने का मतलब ये हुआ कि हमें कि हमें पता है कि जितना वेट इस बॉडी का जितना वेट इस बॉडी का है एक्चुअल वेट जितना है वो क्या होगा वो बैलेंस हो रहा है बियॉन्ड फोर्स से तभी तो वो फ्लोट कर रही है ठीक है अगर इसका एक्चुअल वेट बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा होता तो वो क्या कर जाती वो सिंक कर जाती यानी कि इसका जो एक्चुअल वेट है एक्चुअल वेट जो है वो बैलेंस आउट हो गया है किससे बियॉन्ड फोर्स से क्या हो गया है बैलेंस आउट हो गया है बियॉन्ड फोर्स से तो यानी कि तभी ये क्या कर रही है फ्लोट कर रही है ऑल्सो नो दैट कि जो अपेयरेंट वेट होता है अपेरेंट वेट किसके इक्वल होता है एक्चुअल वेट के माइनस बियॉन्ड फोर्स के तो एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स यानी कि W और इसका भी W तो ये एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स बियॉन्ड फोर्स भी क्या हो गया वो भी वेट है जो नीचे से ऊपर की तरफ जो लग रहा है तो दोनों के क्या हो गए एकदम से कैंसिल हो गए ये हो गए जीरो यानी कि अपेरेंट वेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है जीरो हो जाता है ठीक है तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बियॉन्ड फोर्स तो बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर हमारे एक्चुअल वेट के हो रहा है तो एक्चुअल वेट क्या होता है वेट क्या होता है सिंपल सी एम जी की बात होती है मास कितना दे रखा है सिक्स के जी और जो जी है वो हम क्या ले सकते हैं टेन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा सिक्सटी न्यूटन ठीक है थीके? फिर आता है आपके पास रेशो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो हमें अब हमें क्या करना है रेशो निकालना है डेंसिटी ऑफ बॉडी का और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का अब देखो हमें नहीं पता ये लिक्विड वाटर है या क्या है अगर ये लिक्विड वाटर होता तो हमें इसकी डेंसिटी पता होती लेकिन अभी हमें इस लिक्विड की डेंसिटी नहीं पता है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं कैसे डेंसिटी फाइन करें ठीक है ना हमें कोई मास पता है लिक्विड का कुछ भी नहीं पता तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सी बात है इस साले में हम क्या लगा सकते हैं कि जो बियॉन्ड फोर्स है बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल आएगा कि जो वेट है जि, जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ है यही हमारा प्रिंसिपल कहता है उसकी हेल्प हम ले सकते हैं कि जो हमारा बियॉन्ड फोर्स है वो किसके इक्वल आ सकता है कि वेट ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ठीक है तो अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं बियॉन्ड फोर्स नीचे से जो ऊपर की तरफ लग रहा है यानी कि मास ऑफ द सॉलिड इनटू एक्सेशन टू ग्रेविटी और यहाँ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द लिक्विड इन टू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है अब एक्सेशन टू ग्रेविटी तो एक्सेशन टू ड्यू टू खत्म हो गई अब ये हो गया मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड अब यहाँ मास ऑफ सॉलिड तो हमें गिवन है बट मासफ लिक्विड तो नहीं हमें गिवन है क्या गिवन है इन स्टेड ऑफ मास हमें गिवन है टू बाय थ्री ऑफ इट्स वॉल्यूम तो वॉल्यूम हमें गिवन है तो मास और वॉल्यूम का हमें कनेक्शन पता होता है दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑल्सो हमें उन्होंने डेंसिटी का ही रेशियो निकाला है तो हम मास हटा कर क्या लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड में सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड में डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो अब यहां पर हमें रेशियो निकालना है अब वॉल्यूम का हमें कनेक्शन क्या दे रखा है हमें वॉल्यूम का कनेक्शन दे रखा है कि अ बॉडी ऑफ मास ऑन अ लिक्विड विद टू बाई थ्री ऑफ इट्स वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड टू बाय थ्री ऑफ इट्स वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड यानी कि इसका जितना भी जो पोर्शन है ना टू बाई थ्री वाला जो पोर्शन है इन साइड द लिक्विड ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना टू बाय थ्री है उतना ही तो पोर्शन ऊपर की तरफ भी आएगा जितना इसके अंदर है वाटर के अंदर टू बाई थ्री वॉल्यूम है उतना ही तो वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस होगा ये होगा ठीक है तो हम यहां पे ये यह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू किसके है टू बाय थ्री ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ही है क्योंकि जहां हम ये लिख रहे हैं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस तो वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड डिप्लेसड है यानी कि जो ब्लैक पोर्शन मैंने ऊपर बनाया ये उतना ही डिस्प्लेस हुआ है जितना ये पोर्शन अंदर की तरफ आया तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू टू बाई थ्री ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो इन साइड द लिक्विड है तो हम लिख सकते हैं इसको टू बाई थ्री ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसिल हो गया ये आ गया टू बाय थ्री विच इज इक्वल टू टू रेशो थ्री तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया डेंसिटी का रेशो भी निकाल दिया